टुडे 17 डेज आई एम आसाम एंड मेघालय 17 डेज यू आर ऑन द राइड यू आर राइडिंग सोलो एंड ऑल आसाम मुझे वेलकम किया बहुत अच्छे से किया उन्होंने मैडम बड़ी फेमस है हमें बड़ी खुशी होती है व्हेन वी सी राइडर्स लाइक यू एंड ऑब्वियसली आप घूम रहे हो विशेस एंड वी जस्ट होप एंड वी जस्ट विश कि आपकी राइड सेफ एंड साउंड और आप घर वापसी बहुत सारी यादें बहुत सारी खुशियां लेके पहुंचे बेस्ट विशेस की फ्राइडे थैंक यू लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सोमा जी से तो सोमा जी इधर बैठी हुई हैं जो कि मौत के कुएं में बाइक चलाती हैं और वैसे आप हैं कहाँ से सोमा जी मैं कोलकाता से हूँ और ये आप जो मौत के कुएं का जो खेल है ये कब से कर रहे हैं काफी इयर्स हो गए 10 इयर्स से ज्यादा हो गया तो इसका शौक कैसे आया आपको कि इसमें चलाना है इसलिए आया क्योंकि मैं एक शो देखने के लिए गई थी मतलब तब मुझे मालूम नहीं था वो अपडेट कैसा होता है एक लकड़ी का स्ट्रक्चर था बहुत बड़ा सा तो तब चालू भी नहीं हुआ था फैमिली मतलब अदर्स फैमिली के साथ मैं गई थी छोटी सी थी तो मैंने पूछा मतलब कोई का अंदर बाइक वॉश कर रहे थे तो मैंने पूछा ये क्या है तो बोला ये मौत का कुआ है और इसका ना बाइक एंड कार चलता है तो मैंने उससे पूछा ये नहीं हो सकता है नहीं ये होता है आपको देख लेना मैं शो देखी तो जाहिर सी बात है देखने के बाद कोई भी बिलीव नहीं करेंगे इस चीज को तो फिर मैं उनको बोला जो मुझे सीखना है जो ओनर थे तो मुझे बोला तुम मुझसे नहीं हो पाएगा मतलब कहानी बहुत लंबी है मतलब वो बोल रही हूँ हाँ मतलब लड़की देख के भी एक तो बोले होंगे वो कि आपसे नहीं हो पाएगा नहीं उनका कहना का मतलब ये था तुम बंगाली हो बंगाली लड़का नहीं कर सकते तुम्हें लड़की तुमसे और भी नहीं हो पाएगा अच्छा उन्होंने ये कहा तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ मतलब एक सप्ताह पहले हमारी मुलाकात हो चुकी थी हाँ इनका भी एक यूट्यूब चैनल है क्या नाम है आप खुद ही फायर ब्रांड सोमा के नाम से है तो अभी ये इंटरनेशनल राइड वगैरह भी करके आए हुए कहाँ कहाँ गए थे आप अभी मैं नेपाल एंड भूटान मैं वन नाइट पे भूटान का पार्ट 1 ट्रिप को कंप्लीट किया आफ्टर लॉकडाउन बहुत एक्सपेंसिव है मतलब आप जाओ भूटान तो बाय बाय तो एवरी डे 20,000 खर्चा होगा भाई तो इतना ये बाइक राइड इंटरनेशनल बाइक राइड वगैरह और स्टंट तो करते ही है वो अलग है लेकिन अभी हम लोग मतलब इतना लंबा राइड तो मेरे से भी अभी तक नहीं हो पाया है अभी मैं गया ही नहीं हूँ हार्डली पूरी और कोलकाता और पटना वगैरह इतना तक गया हूँ लेकिन बाइक से इंटरनेशनल राइड अभी तक कुछ प्लान नहीं है इनमें भी इन फ्यूचर अगर कभी सुपर बाइक वगैरह लेते हैं तो हम लोग प्लान करेंगे जरूर और आगे फिर अगर कभी इंटरनेशनल राइड का प्लान होता है तो सोमा जी से फिर से मुलाकात होगी और इनके साथ एक राइड का प्लान करेंगे इन फ्यूचर में कभी तो बताइए आप आगे तो मुझे बोला गया था जो आपसे नहीं हो पाएगा बिकॉज आप बंगाली हो बंगाली लड़का से नहीं हो पाता है तुम तो लड़की हो तो वो चीज बहुत ईगो में लगा क्योंकि मुझे ये लगा जो बंगाली डरपोक नहीं होता है क्योंकि उन्होंने कह दिया था बंगाली बहुत डरपोक होता है और ये थोड़ा बहुत सच इसलिए है बिकॉज उस टाइम मैंने देखा जो बच्चे लड़का जो होता है जब जॉब करते थे और उनको जॉब का फर्क आउट ऑफ स्टेट से आ रहा होगा तो उनकी मम्मी बोलती नहीं बेटा जो करना है घर के आसपास करो उतना दूर मत जाओ तो ये चीज था तो मैं ये प्रूव करना चाहा कि बंगाली डरपोक को नहीं होता है तो इसलिए मैंने कर दिखाया और ये मेरा पैशन है जब भी आप पहली बार मौत के कुएं में गई तो आपको पहली बार तो डर तो लगा होगा नहीं एक्चुअली मेरा डर कभी नहीं लगा क्योंकि मुझे याद है मैं क्लास 7 में थी तो वो लंच टाइम होता है बच्चे खेलते हैं तो हम दो तला पे छत पे ओपन छत था हम लोग खेल रहे थे तो 30 मिनट्स बाद जो बेल बजता है क्लासरूम के लिए सबको चले गया हम खेलते रह गए तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो डंडा लेके जैसे आ रहे थे सबको डांटने के लिए सब तो दौड़े जो सामने वो पीटे मैंने क्या किया दो तलाक से नीचे कूद गई जंप मार दिया हाँ से जंप मार दिया और जंप मार के फिर मैं वो सीढ़ी से चल रहे थे हमारे सर तो उनके पीछे पीछे सर झुके मैं ऊपर चल रही थी तो उन्होंने पीछे मुख किए बोले कहाँ थी तो मैंने बोला सर मैं वॉशरूम में थी सबको पिटाई हुआ मुझे छोड़ दिया गया तो मैं थोड़ी इस टाइप की थी मैं बचपन से क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलती थी और मैं कभी डरी नहीं मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है बट लोगों का जो हौसला है ना मैं जैसे काम करती हूँ लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और आज के डेट में तो इतना ज्यादा प्यार मिलता है अगर आप मेरा फेसबुक फॉलो करेंगे तो मालूम चलेगा लोग मुझे ब्लेसिंग बहुत देते हैं एक काम आप जो वर्क भी कर रही है वो भी बहुत डेयरिंग वाला काम है उसके लिए बहुत जिगर चाहिए मतलब लड़का लोग को भी एक बार सोचना पड़ेगा ये काम करने के लिए और आप तो एक लड़की हैं तो लड़की लोग को इससे सीखने का जरूरत है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट रियल में क्या होता है वो आप सोमा जी से सीख सकती हैं और कोई भी काम के लिए आपको खुद का रिस्पेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता बहुत है होता मैं होता हर एक लड़की को बोलूंगी कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है जैसे मैं जिस जगह पे काम करती हूँ लोग उस चीज को बहुत जगह बहुत खराब मानते होंगे बट मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ ना क्योंकि अच्छा या बुरा
घर हो या बाहर हो, सब जगह पे है, आपको कैसे रहना है, कैसे रिस्पेक्ट बढ़ाना है, वो लड़की आप लोगों का खुद के हाथ में होता खुद में हाथ में होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो जब आपने ये शुरू किया पहली बार, तो घर वालों से कुछ ऑब्जेक्शन हुआ था या कुछ? घर से राजी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मतलब जैसे माना जाता है ये मिला लाइन जो है बहुत खराब होता है, बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, ऐसा सुनती थी मैं। हाँ। बट इसमें डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा होता है। मैं जहाँ पे सीखी हूँ वहाँ पे जो हमारे बॉस थे वो मेरे बाबूजी थे। बाबूजी मतलब वो यूपी के थे, आर्मी रिटायर्ड थे, और मुझे नहीं सिखा रहे थे, तो मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। हाँ। तो मैंने उनको कहा देखो मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे सिखा सकते हैं। तो मेरे घर से राजी नहीं हुआ तो मैं घर से भाग गई। अच्छा। इतना ज्यादा मेरे अंदर वो घुस गया था ना, जो मतलब बंगाली मुझे करना है और एक जुनून भी। तो अपना मैंने बैग पैक किया, उसमें किताबें भी रख लिया और अपना कपड़ा भी रख लिया और बिना बोले चली। मम्मी को पहले बोली थी मम्मी मैं ये काम मुझे करना है, उन्होंने राजी नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं घर से भाग गई। शाम तक मम्मी पहुंच गई, क्योंकि मालूम था जो मैं जाने वाली हूँ। शाम तक पहुंच गई, मैं छुप गई, मैं फिर रोने लगी, छोटी थी। एक्चुअली ये मेरा कहानी है। और फिर उन्होंने उनसे हुआ नहीं, तो उन्होंने जो हमारे ओनर थे बाबूजी, तो उन्होंने बोला देखो आप आपकी बेटी की तरह है ये, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो मानेगी नहीं। तब मुझे वहाँ पे छोड़ा गया एंड मैं एक बच्चे की तरह वहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं थोड़ा वेट हेवी था, तो उन लोगों ने मुझे खाने में बंगाली राइस बहुत पसंद करते हैं। हाँ। बिना राइस का नहीं होता है उनको, तो मुझे खाने में प्लेट भर के सलाद मिला करता था, जिसमें एप्पल, खीरा एंड अमरूद, मतलब इस टाइप का गाजर, ये सब मुझे मिलता था, तो ताकि मैं इतना खा लूँ और मैं रोटी कम खाऊँ। बट मुझे दो रोटी बहुत पतली सी मिलती थी, वो मेरे अच्छे एग्जैक्टली। उसके बाद मैं दूसरा टेंट के पीछे जाकर छुपके से थोड़ा क्वार्टर प्लेट में चावल खाती थी, मतलब इतना बंगाली का चावल का एक था। अब नहीं है, अब तो मैं बहुत हैबिचुअल हो चुकी हूँ। तो रात में हम लोग जाएंगे मेला और लाइव में दिखाऊंगा इनका स्टंट आज, और कुछ क्लिप्स वगैरह हैं, वो क्लिप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे इधर। न्यूज वालों ने भी और पेपर में भी इनका आया हुआ था, वो कटिंग वगैरह भी मैं ये स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं डार्ट ट्रैक रेसर हूँ, मैं डार्ट ट्रैक करती हूँ से, और जितना इवेंट में डार्ट ट्रैक करती हूँ उसमें हमेशा कोशिश करती हूँ जीतने के लिए, मतलब जितना नहीं मैं सीखने जाती हूँ पर जीत जाती हूँ। तो मैं इंटरनेशनल इवेंट भी करती हूँ, जैसे बॉब एमसी हुआ, बॉब एमसी बहुत बड़ा इवेंट है राइडर्स लोगों के लिए, जो लोग एक्चुअली राइडर्स से सीनियर है उनको मालूम है बॉब एमसी क्या होता है, राइडर मेनिया क्या होता है। और इस समय प्लान है बॉब एमसी राइडर मेनिया, ये सब के बारे में तो मुझे भी उतना कुछ नॉलेज नहीं है। फर्स्ट लड़की मैं राइडर बनना चाहती हूँ, इसमें मेरा बॉब एमसी हुआ था शिलोंग में। अच्छा। मैं बॉब एमसी शिलोंग में हुआ था, उसके बाद मैं नेपाल में मुस्तांग में इवेंट किया आरएम, ठीक है, मुस्तांग राइडर्स में जिसको बोलता है, वहाँ पे भी वेस्ट बंगाल से फर्स्ट लड़की जो बाइक लेके उतना दूर गई हूँ, मतलब पेपर में दिया है 23 अवार्ड्स बट 27 अवार्ड्स मैंने राइड किया था। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहेंगे, आपने पहली बार कब सोचा कि आप बाइक सीखना चाहते हैं या फिर चलाना चाहते हैं? मुझे तो बाइक चलाना आता ही नहीं था। हाँ। जब वो मतलब मौत तक हुआ फर्स्ट मेरा बाइक है। हाँ। बिकॉज उन्होंने बोल दिया बंगाली से नहीं हो पाएगा, मैं साइकिल चलाना आता था, बाइक तो मुझे कभी नहीं आया, बट जीत था और वहाँ पे रह के। हाँ, एक बात उसमें और था, उन लोगों को जाना था राजगीर कुछ एग्जीबिशन के लिए, उसमें उनको चार लड़की चाहिए थी, और चार लड़की में से मैं भी थी जो जिसको कुछ भी नहीं आता था, ना डांस ना बाइकिंग कुछ भी नहीं। तो वो चीज मतलब बाइक चलाना है वो कब दिमाग में आया आपका? उसी दिन आया था जब उन्होंने बोला बंगाली से नहीं हो पाएगा। अच्छा, उस टाइम। हाँ, तो वो चारों लड़की में से तीनों में से कोई नहीं आया था, बट मैं अकेला पहुंची, तो उन लोगों को ये इम्प्रेसिव लगा जो हाँ कम ना इस लाइफ में घर से जो कुछ करेगी वो आई है। और अभी आपके पास करंट बाइक कौन सी है? हिमालयन स्टार 411। तो अभी सोमा जी के पास स्क्रैम हिमालयन जो है रॉयल एनफील्ड की 411 वो है, और उसी से आप इंटरनेशनल राइड वगैरह कर चुके हैं। अभी हैं ये खूंटी में, जो कि झारखंड रांची के कैपिटल से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है खूंटी, एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे हैं ये आई हुई हैं अभी। और कब तक हैं यहाँ सोमा जी? मैं एंड ऑफ मई को, इस मंथ का लास्ट तक हूँ। एंड मैं ये भी बोल दूं, मैं नेक्स्ट सितंबर से मेरा राइड फिर बैक टू बैक होने वाला है, बिकॉज मैं जब करती बैक टू बैक करती हूँ, ऐसे मैंने शुरुआत तो किया। इस बार आपका कहाँ का प्लान है, इस बार कहाँ जा रहे हो? साउथ, पूरे साउथ गोवा राइडर मैंने जो सबसे बड़ा होता है। अच्छा। वहाँ मुझे जाना है, एंड इस बार बॉम्सी ने लिया है
मद्रास बुल्स ने जो होने वाला चेन्नई में, तो ये मैं बैक टू बैक करने वाली हूँ और धमक का दर होने वाला है और मैं जहाँ जाती बहुत खुद को एंजॉय करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना तो आप इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनके चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके जरूर इनको फॉलो कर लीजिएगा और आगे इनकी जर्नी आप देख सकते हैं इनकी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए और मुझे सपोर्ट किए, और इसके लिए कुछ भी बोलूँ कम पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली जो लोग मुझे देख रहे हैं मुझे आप लोगों से आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मेरा एक मोटिव भी है। जो लड़का या लड़की न्यू है, इवन जो लड़कियां हैं जो करना चाहती है और डरती है, जो घर से निकलना मुश्किल है, कहाँ स्टे करेंगे, अब कुछ करना चाहते हो, मैं उनके लिए हेल्प करूंगी। बिकॉज मैं जहाँ जहाँ राइड किया हूँ वहाँ पे एक मैं रिलेशन बना के आती हूँ, ताकि मेरे बाद जो भी लड़कियाँ जाना चाहें बेझिझक जा सकते हैं। इवन मेरा जैसे लोग मुझे देखकर मोटिवेट होता है, तो मेरे छोटा सा ग्रुप है जिसका नाम है राइड फॉर मोटिवेशन। तो इसको कुछ नहीं करना है, खाली आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप एनी टाइम मुझे बोल सकते हैं राइड के लिए, कहीं जाना है, राइड करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, लड़कियों के पास कुछ नहीं है उसके लिए, तो मैं उसके लिए आगे हूँ। और एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जो मौत के कुएं वाला जो पिस्टन करते हो, ये आपका फुल टाइम है या बस एंजॉयमेंट के लिए है? एक्चुअली ये मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हाँ। लड़कियां बहुत कम है इस काम में। अच्छा। और इस काम में मेरे लिए बहुत पैसा है, बिकॉज मेरा डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये तो आपका प्रोफेशनल भी है और आपका एक तरह से शौक भी हो गया, तो ये करने के अलावा और जब इससे टाइम फ्री मिलता है तो आप राइड करते हो? करती बस। मतलब इसमें कितना टाइम जाता है और उसके बाद बाकी आपके अपने लिए कितना टाइम मिल पाता है? मुझे एक्चुअली खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आप फिर टाइम मैनेज कैसे करते हो? टाइम मैनेज इसलिए करती हूँ, जैसे मुझे अभी 1 मंथ के लिए मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, जो मुझे एक हफ्ते गैप मिलेगा मैं कभी टूर कर लूंगी। अच्छा, मतलब नहीं रुकती हूँ कभी। मतलब मेरे कोलकाता का लोग मुझसे मिलने के लिए तरस जाते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं, मतलब टाइम मांगते हैं मुझसे, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, ये सबको मालूम है। तो ठीक है गाइस, ये एक छोटा सा इंटरव्यू था, आगे आप देखेंगे स्टैंड जो अब में हम लोग आपको दिखाएंगे। तो ये एक छोटा सा इंटरव्यू था सोमा जी के साथ, तो आप लोगों ने सुना कैसे इनका जर्नी था, जो अभी ये आप यहाँ इनको देख रहे हैं।